एवरीवन, स्वागत है एक न्यू ब्लॉग पे। दोस्तों सुबह से कोई शूट नहीं किया मैंने और मैं खड़ा हूँ लाल किला। संडे बाजार है आज, देख सकते हो पीछे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, फॉलो कर लें, ठीक है। उससे बाद में बताता हूँ क्या होने वाला वीडियो है। इतनी अच्छी चीज़ मिली है आज मेरे को लाल किले पर कि जैसे कि मैं ऑटो चलाता हूँ अपना, ठीक है, ऑटो में चला रहा हूँ, ऑटो ये भी है, लेकिन क्या है कि ऑटो पे हमारे पे कुछ नहीं ऊपर, ठीक है, साफ सुथरा है ना, कुछ नहीं है। एक ऑटो मुझे ऐसा मिला है, ये देखो, ये देखो, पूरा घास, ये पूरा घास लगा रखा है अंकल जी ने। और घास भी ना कम से कम कह रहे हैं भाई 3 साल हो गए लगाते, ये देखो पूरे में घास ही घास लगा रखी है और 3 साल हो गए पूरे लगाते। ये देखो कोई नकली घास नहीं है, ये ओरिजिनल घास है। और हम इनके ड्राइवर से बात करेंगे, बताएंगे, पूछेंगे क्या है क्या नहीं भाई, ठीक है। उस्ताद जी इसकी आवाज़ कम करो थोड़ी सी अपने डेक की। और कुछ नहीं समझ रहे अंकल जी, लेकिन नई बात जाती है ना कस्टमर के सामने तो अच्छा लगता है। अंकल जी कितने साल से ये लगा रहे हो अपनी घास? देखिए मैं 3 साल से कंटिन्यू लगाते रहता हूँ। ये 3 साल से आप लगा रहे हो, ठीक है। गाड़ी में तपन सा हो रहा तो उस वजह से मैंने पेड़ पौधा लगाया, जब से मैंने पेड़ पौधा लगाते ही रहता हूँ। अच्छा, ऊपर से गर्मी पड़ती है इसीलिए हमने वो लगा दिया, पेड़ पौधे लगा दिया। दुनिया लगाती है जमीन में, इन्होंने लगा दिया ऑटो पे। अब बताओ हम भी लगाना शुरू कर दे भाई साहब। हाँ बिल्कुल, हम तो बेटी बचाओ पेड़ ही बढ़ाओ का तो अभियान सुना था, लेकिन पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ और वो भी ऑटो पे लगाओ तो बढ़िया बात है भाई। क्यों भैया, कैसा लगा ये बताओ इनका ऑटो देख के? अच्छा लगा, बढ़िया लगा, मुझे भी अच्छा लगा, इसीलिए मैंने चलो एक वीडियो बना देता हूँ भाई साहब की। और मैं भी शुरुआत करूँगा कि भाई अपने ऑटो पे अपना पेड़ पौधे उगाऊंगा और लगाऊंगा। अनेकों प्रकार की पेड़ है इसमें, टमाटर का है, भिंडी, तोड़ी, घिया, अच्छा, केले का पेड़ है, आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है। अगर ये आम का तो बहुत बड़ा पेड़ हो जाएगा। पालक वगैरह है, फल दे रहा है अभी, टमाटर वगैरह फल रहा है, टमाटर भी है इसमें। अच्छा जी, मैं देखता हूँ, एक बार रुको, टमाटर किधर है भाई? एक मिनट में टमाटर देखता हूँ जरा, टमाटर किधर है भाई? हाँ भाई है तो सही भाई, टमाटर भी है और बाजरा भी है और ये भी है और घास भी है, पालक भी है, करेला भी है, ये भी सब है भाई इस पे। ये देखो, मान गए भाई उस्ताद जी, तुम्हें तो मान गए हम। हैं पालक वगैरह घर में यूज भी करते, खाते भी हैं, इसी वजह तोड़ के खा लेते हो? क्या बात कर रहे हो। तुम्हारी तो बचत हो रही होगी फिर लाखों रुपए की। सब्जी लानी नहीं पड़ती होगी बाजार से, है ना? चलो बढ़िया भाई, हम लोग भी जो है करेले वरेले उगा लेंगे तो सब्जी बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भाई साहब संडे बाजार है, दूसरी बात यह है कि माहौल बहुत ज़्यादा शांत है, क्योंकि थोड़ा ना यहाँ पे सिक्योरिटी मतलब ज़्यादा टाइट कर दी है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत भीड़ भाड़ ज़्यादा होती थी, दरियागंज से उधर बाजार तो लगने भी नहीं देते, और है ना भाई सिर्फ यहीं लगने देते, वो भी देख रहे हो कितनी कम भीड़ है। और एक बात तो है, इनमें जो है जेब कतरे को नुकसान है बस। हाँ। ज़्यादा भीड़ होती है तो जेब कतरे फ़ायदा उठा जाते हैं ना, अब इसमें जो है जेब कतरे फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, सही कह रहा हूँ ना, इसमें जो है जेब कतरे फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, इतना बात तो ठीक है भाई। बाहर से लोग आ रहे हैं तो बेचारे 100, 200, 500, 1000 ला रहे हैं, वो भी काट लेते हैं, निकाल लेते तो बेचारे कहाँ जाएंगे। भीड़ का यही फायदा है, कम भीड़ है तो सही है, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पे जो है तुम्हें मिल जाएंगे काजू बादाम, मिल जाएंगे सस्ते में, और बेल्ट मिल जाएगी, ये सब देखो, जूते की मार्केट उधर दूर है वहाँ पे। चलूँ तो थोड़ा सा दिखा सकता हूँ मैं आपको, चल रहा हूँ, देखो ये देखो जूते भी मिल जाएंगे तुम्हें यहाँ पे खरीदने के लिए, ठीक है, ये जूते सस्ते मिल जाएंगे तुम्हें, काफ़ी सस्ते जूते मिल जाएंगे यहाँ पर ख़रीदने को, ये देखिए, ठीक है भाई साहब, ये देखो ये सारी जूते की मार्केट है अंदर, ये देखो सारी जूते की मार्केट है, ये भाई भी जूते ही बेच रहा है।
ठीक है जी, जूते ही बिगड़ा है भाई। दूसरी बात है अंकल जी से मिलके बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा कि भाई पेड़ पौधे ज़मीन पे नहीं ऑटो पे भी उगाने चाहिए। अब मज़ा आ गया भाई साहब। ठीक है ब्लॉग बस यहीं तक का था, इतना ही है, आगे कुछ मिलेगा देखेंगे। बाकी टाइम तो हो गया भाई घर का, तो घर जाएंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसीलिए भाई साहब ने अंकल जी ने अपना ये घास वास उगा रखी है, और पानी वानी पीते रहो, एनर्जी मिलती रही शरीर को तो काम करेगा, नहीं तो डाउन हो जाएगी बैटरी आपकी, इसीलिए इन्होंने ये लगाया है घास, ताकि सर पे जो है धूप का प्रभाव कम पड़े और गर्मी ज़्यादा ना लगे, समझ रहे हो। तो जो है सही है, बहुत अच्छा है। कुछ लोग हंस रहे हैं, इनका काम है हंसना, हमारा काम है क्या करना, वीडियो बनाना, हम वीडियो बना रहे, हम किसी से कोई काम अपना कोई भी करते रहो, हम अपना काम करते रहेंगे भाई। ठीक है, हमारा काम ऑटो चलाना है, वीडियो बनाना है, दोनों काम कर रहा हूँ मैं, किसी से कोई गिला सीखा हो नहीं है भाई, किसी को गिला सीखा हुआ है तो बता देना, किसी को बुरा लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, नहीं लग रहा हो, वीडियो कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है कॉमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और ख़ास करके ब्लॉग बनाने का यही था रीज़न था मेरा, कि भाई ऑटो को देख के मैंने ब्लॉगिंग कर दी है इनकी, कि भाई ऑटो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ऑटो मैं भी चलाता हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा घास को देख के। ठीक है, इतना ही ब्लॉग में दिखाता हूँ, और रखते हैं यहाँ पे, विराम देते हैं, और देख सकते हो मैं लास्ट में कहाँ पे आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ अपना उस्मानपुर। उस्मानपुर में भैया इस समय ना ये देख रहे हो, सिग्नेचर से निकलोगे, इधर से निकलोगे तो ये पहले यहाँ से गुजरना पड़ेगा, ये बन रहा है सहारनपुर हाईवे, और हाईवे भी ऐसा बन रहा है, इतना तगड़ा बन रहा है, इतना बढ़िया बन रहा है, कि यहाँ का जो जाम है ना, वजीराबाद का जाम खत्म हुआ था सिग्नेचर बनने से। ठीक है, शास्त्री पारक खजूरी का जाम और लोनी तक का गाजियाबाद तक का सारा जाम खत्म हो जाएगा इसको बनने से, और काम इतना तेज़ी से चल रहा है, इतना तेज़ी से चल रहा है कि भाई साहब 2024 में चालू करके देना है, यानी कि एक साल के अंदर इन्होंने पूरा चालू कर दिया है ये। ठीक है, और यहाँ से अभी हम घर चलते हैं, शाम का टाइम हो गया है, 7 बज रहे हैं। आप ब्लॉग हमारा यहीं तक का था, इतना ही अपडेट देना था आपको। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता हूँ कैसा नहीं लगता हूँ वो आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और घर जाता हूँ। ठीक है, देखूँगा पार्किंग में, मिलूँगा आपसे, अगर कुछ रह गया हो सोच समझ के तो बोलूँगा। ठीक है।